महाराज जी की लीलाओं के विषय में यदि आप थोड़ा अनुभव कर पा रहे हो तो आप जीवन में एक बात बहुत ही विशिष्ट पाएंगे कि महाराज जी कब कौन सी लीला किस स्वरूप में कर दें, ये कह पाना किसी के लिए भी साधारण सी बात नहीं है। महाराज जी की लीलाएं तो केवल महाराज जी ही जानते हैं कि कब किस व्यक्ति के जीवन में उसे उभारना है, कब किस व्यक्ति को सृष्टि के इस दर्शन के साथ साथ में अपने अनुभवों से कृतार्थ करना है, ये केवल और केवल महाराज जी ही जानते हैं। तो इसीलिए आज का ये क्रमांक जहां जहां तक भी पहुंच रहा है उन सभी के लिए बड़े ही दिव्य स्वरूप में ये क्रमांक होने वाला है। तो इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। महाराज जी की लीलाओं के विषय में यदि आप अपने अनुभव साझा करना चाहें तो आप एक बात अवश्य स्मरण रखिएगा कि महाराज जी की लीलाएं सभी व्यक्तियों के साथ एक स्वरूप में घटित नहीं होती। महाराज जी जब किसी अनन्य भक्त का चुनाव करते हैं तो उसके जीवन में कब किस समय में किस स्वरूप में और किस प्रतिशत में देना है ये केवल महाराज जी ही जानते हैं। अर्थात मेरे जीवन के जो अनुभव हैं महाराज जी से संबंधित, ये जरूरी नहीं है कि ऐसे ही अनुभव आपके साथ हों, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया अपने व्यक्तिगत अनुभव से कि महाराज जी की लीलाएं हर व्यक्ति के साथ में अलग अलग स्वरूप में होती हैं। इसीलिए आज का ये क्रमांक हमने इस बात पर शामिल किया है कि यदि आपके जीवन में महाराज जी का कोई चमत्कार, महाराज जी की कोई अनुभव से संबंधित कोई भी ऐसी छटा है जो आपके जीवन पर प्रसारित हो रही है तो ये समझ जाइएगा कि महाराज जी जरूर इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी योजना लेकर आपके जीवन को अद्भुत बनाने वाले हैं। जैसे कि बहुत से अनन्य दर्शकों का एक संदेश हमारे पास पहुंच रहा है, महाराज जी के विषय में जानने के पश्चात ही उनके जीवन में कुछ ऐसे अद्भुत चमत्कार हो रहे हैं जो कि उन्होंने इससे पहले अनुभव नहीं किए हैं। एक अनन्य दर्शक हमें लिखते हैं कि मैंने इससे पहले ब्रह्म मुहूर्त के विषय में बहुत विशिष्ट जानकारी नहीं सुनी थी, लेकिन ये बताते हैं कि नियमित रूप से ये इस चैनल के माध्यम के साथ जुड़े हुए हैं और रोजाना प्रसारित होने वाले क्रमांक देखते हैं। तो इन्होंने हमारे चैनल पर प्रसारित हुए एक क्रमांक के विषय में, जिसमें ब्रह्म मुहूर्त के विषय में बताया गया था, उस विषय में इन्होंने जब जानकारी प्राप्त की उसके बाद इन्होंने महाराज जी को स्मरण किया। अब देखिए इनके साथ चमत्कार क्या होता है। ये कहते हैं कि इनकी जो नींद है वो ठीक ब्रह्म मुहूर्त के सबसे विशिष्ट समय में, सबसे उपयुक्त समय में खुलती है। और उसमें ये क्या देखते हैं कि महाराज जी द्वारा इन्हें एक संदेश प्रदान किया गया है। महाराज जी इन्हें एक संदेश स्वरूप में ये कह रहे हैं कि तू मेरी शरण में क्यों नहीं आता। मेरी शरण में यदि तू आना चाहता है तो श्री हनुमान जी को अपने हृदय में बसा ले, और जब तू ऐसा करेगा तेरे जीवन की हर एक समस्या से तुझे पूर्णतः छुटकारा मिल जाएगा। और इसके बाद देखिए एक चमत्कार और घटित होता है। ये बताते हैं कि इन्हें महाराज जी का ये स्वप्न बहुत ही स्पष्ट तरीके से याद है, बल्कि कहते हैं कि महाराज जी द्वारा बताई गई एक एक बात, एक एक शब्द उसी स्वरूप में आज भी इनके कानों में गूंजते हैं। और जैसा कि महाराज जी ने शब्दानुसार एक एक बात बोली, उसी के अनुरूप इन्होंने जीवन में महाराज जी की हर बात का पालन करना शुरू किया। और ये बताते हैं कि कुछ ही दिनों में इनके जीवन की वो सारी समस्याएं, जैसे कि महाराज जी ने इन्हें दर्शन देकर बताया था, वो सारी परेशानियां जैसे जीवन से अपने आप ही ओझल हो गई, जैसे कि महाराज जी के संदेश का वो सारी परेशानियां इंतजार कर रही थी कि कब इन्हें वो संदेश प्राप्त हो और कब इनके जीवन से वो सारी परेशानियां दूर हो जाएं। ऐसे ऐसे महाराज जी के चमत्कार हैं, ऐसी ऐसी लीलाएं हैं, यदि रोजाना आपको क्रमांक स्वरूप में हम बताने का प्रयास करें तो ये बहुत बहुत कम होगा। इसी बात के साथ मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा जो कि आज के इस क्रमांक की सबसे बड़ी मूलधारा है। वो बात क्या है कि देखिए ब्रह्म मुहूर्त की शक्तियों के विषय में मैंने आपको पिछले कई क्रमांकों में बताया है, तो इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त से संबंधित यदि आप अपने जीवन में नियम को धारण करना चाहते हैं, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त के अनुसार आप जागृत होना चाहते हैं रोजाना, तो उसमें एक काम करना प्रारंभ कर दीजिएगा। ये काम आपके लिए बहुत ही उपयुक्त होगा। देखिए महाराज जी से जुड़ने के समय में मैंने व्यक्तिगत रूप से ये कार्य किया है जो मैं आज के क्रमांक में आपके साथ साझा करना चाहूंगा।
जिससे कि आप सभी लाभान्वित हो सकें। देखिए, जो भी नए अनन्य दर्शक इस क्रमांक का श्रवण कर रहे हैं, सबसे पहले उनके लिए एक संदेश में देना चाहूंगा कि यदि आपकी ये जो जुड़ाव है, यदि ये जो भावनाएं हैं जो अभी जागृत हो रही हैं, ये प्रारंभ में बहुत बहुत तीव्र होती हैं। इन भावनाओं को यदि आप सटीक तरीके से महाराज जी के चरण कमलों में समर्पित कर दें, तो समझ जाइएगा कि महाराज जी द्वारा प्राप्त होने वाली जो कृपा है वो कई गुना बढ़कर आप तक पहुंचेगी। इसी के संदर्भ में मैंने व्यक्तिगत रूप से जब महाराज जी से प्रथम बार जुड़ने का ये जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, इसके अंतर्गत मैंने कार्य किया कि ब्रह्म मुहूर्त के समय का मैंने जीवन में प्रयोग किया। अर्थात ब्रह्म मुहूर्त के समय में मैं प्रातःकाल उठकर महाराज जी को सबसे पहले एक प्रार्थना प्रेषित करता था। ये वही दिव्य काम है जिसके विषय में आपको बता देता हूँ। सबसे पहली प्रार्थना अर्थात ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठकर आप एक प्रार्थना कर दीजिए। बहुत होगा ये। प्रार्थना क्या करनी है कि हे महाराज जी, आज के दिवस की ये प्रथम प्रहर में मैं सबसे पहले आपके चरणों में एक प्रार्थना प्रेषित कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि हे महाराज जी, मेरे आज के इस दिवस को इतना ज़्यादा मार्गदर्शित आप करिएगा ताकि मैं अपने जीवन में इस दिन की शुरुआत के साथ साथ बहुत ज़्यादा ऊर्जावान रहूँ, बहुत ज़्यादा कृतार्थ रहूँ और बहुत ज़्यादा ईमानदारी से अपने कार्य को कर सकूँ। बस इतना भर मुझे आशीर्वाद दे दीजिएगा। ये छोटी छोटी प्रार्थनाएँ बहुत बहुत क्रियान्वयन होकर आपके जीवन को लाभान्वित करती हैं। ये जो छोटी छोटी प्रार्थनाएं होती हैं, ये ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति के साथ जुड़कर आपकी हर एक बात को, एक एक शब्द को इसी स्वरूप में उसी भावनाओं के साथ महाराज जी को प्रेषित हो जाती हैं और महाराज जी के हृदय को केवल भावनाएं ही स्पर्श करती हैं। मैं कई बार आपको बता चुका हूं, जितना ज्यादा प्रेम से आप महाराज जी को पुकारेंगे, जितना ज्यादा भाव विभोर होकर आप महाराज जी को याद करेंगे, आप देखिएगा कि आपके कार्य उतनी शीघ्रता से बनने प्रारंभ हो जाएंगे। और मैं तो ये भी कहूँगा कि जो अनन्य दर्शक काफ़ी समय से महाराज जी के लिए प्रयासरत हैं, महाराज जी के प्रेम को, महाराज जी के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए एक बात कहना चाहूँगा कि ये प्रार्थना इस स्वरूप में तो करिए ही, और साथ साथ में महाराज जी को एक बात अवश्य कहिए कि हे महाराज जी, मैं पूरी तरह से आपको समर्पित हूँ, पूरी तरह से आपके शरणागत हूँ और आपकी शरण में आने वाले किसी भी अनन्य भक्त को आप कभी भी निराश नहीं करते। इसीलिए मैं तो दुर्बुद्धि हूँ, मैं तो उतना नहीं जानता, लेकिन आप तो सब कुछ जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं, इसीलिए मेरे जीवन को कृतार्थ करने की कृपा कीजिए। मैं शरणागत होकर आपके पास आया हूँ, इसीलिए मुझे स्वीकार करके मेरे जीवन पर नज़र डालिए और अपना आशीर्वाद देकर मेरे जीवन को विशिष्ट बना दीजिए। देखिए, ये अपने शब्दों में मैंने प्रार्थना आपको बताई है। शब्द का चुनाव आप स्वयं करें तो बहुत अच्छा है। यदि शब्दों का चुनाव आप नहीं कर पा रहे हैं तो यही प्रार्थना जो मैंने अभी कही है, यही प्रार्थना आप कह दीजिएगा, बहुत है इतना। क्योंकि महाराज जी को एक बार जो अनन्य भक्त हृदय से पुकार लेता है, कोई शक्ति नहीं है जो फिर उसे पराजित कर सके। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको बता रहा हूँ। पूरी तरह से महाराज जी जीवन बदल देते हैं, आप सोच भी नहीं सकते, इतना विशिष्ट आपको बना देते हैं। तो इसीलिए प्रयास कीजिएगा, ये कार्य करके देखिएगा, आपके जीवन में 100% आपको लाभ मिलेगा। ऐसी महाराज जी की अद्भुत कृपा से आपके जीवन में एक दिन अवश्य आएगा। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए लाभान्वित करने वाला हो। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।